नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, फिरोजाबाद थाना बसई मोहम्मदपुर पुलिस टीम द्वारा दो शातिर अपराधियों को लूट की योजना बनाते हुए अवैध असलाहों और लूटे गए 6 अदद मोबाइल सहित गिरफ्तार किया। बता दें, ये गिरोह पिछले कई दिनों से सक्रिय था, जिसने कई लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस गिरफ्त में आए ये दोनों अपराधी के गैंगों में काम कर चुके हैं और राह चलते राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल इनके पास से लूट का सामान और तमंचा बरामद हुआ। अभी पुलिस इन दोनों आरोपियों के आधार पर और भी जांच में जुड़ी हुई है। कहीं इन दोनों के साथ कहीं अन्य बड़े गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं, इस चीज की जांच की जा रही है। पुलिस को तलाशी के दौरान, चेकिंग के दौरान दो अभियुक्त मिल गए। ये आपके राजेश पुत्र पप्पू और धनपाल, इनके पास अवैध सलाह मिला, कारतूस मिला। जब इनसे पूछताछ की गई बारीकी से, गहराई से, तो इनके पास से 6 मोबाइल बरामद हुए जो चोरी के हैं। अब वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। बात की गई आसपास के जनपदों से, तो एतमादपुर पुलिस है और वो छिनैती में आगरा से कनेक्ट होने की उम्मीद है। वो लोग इनको ढूंढ रहे हैं, कई मुकदमों में इनकी तलाश है, संदिग्ध हैं ये। तो अब उनसे बात करके इन जो ये मोबाइल मिले हैं, इनके IMI वगैरह निकाल करके जिनके ये जिनका ये है, उनको ढूंढ करके उनको दिया जाएगा। अगर कहीं उनका चोरी गया है, कहीं लिखा गया मुकदमा, तो उसे कनेक्ट करेंगे। ये कार्रवाई। सर, ये गैंग लूट का ग्रुप कब से काम कर रहा था? ये तमंचे लेके घूम रहे थे, कोई भी वारदात कर सकते थे। इनका आपराधिक इतिहास है, 3 मुकदमे आपके अभियुक्त राजेश पे हैं और छिनैती के ही हैं, और 1-2-3 मुकदमे धरपाल पे भी हैं। यानी पुराने लुटेरे हैं।